शिवनी थाना बंडोल अंतर्गत अलग अलग गांव से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। थाना बंडोल के अंतर्गत आने वाले ग्राम गरठिया के शंकर साहू पिता चिंताराम साहू उम्र 41 वर्ष के साथ अवैध रूप से गांजा रखते हुए गांव में ही बेचते पकड़ा गया, जिसके पास से बंडोल पुलिस ने 250 ग्राम गांजा जब्त किया। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना छपारा वार्ड क्रमांक 2 निवासी आनंदी तिवारी पिता दौलत तिवारी उम्र 55 वर्ष के पास से ग्राम बखारी में 1 किलो गांजा बेचते हुए बंडोल पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। उक्त दोनों आरोपियों के पास से कुल 1 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। मार्च माह में नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम है, उसी के तहत जो है 17 तारीख को ग्राम दिघोरी में शंकर साहू के यहाँ गांजे की रेड कार्रवाई की गई, और उसके बाद 18 तारीख को बखारी में छपारा का आनंद तिवारी को पकड़ा गया। दोनों से 1 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। दोनों के खिलाफ अलग अलग मामला कायम कर गया है। इस प्रकार से नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।